Hello students, सिस्टम के बारे में यूनियो का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे हम मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी पाचन तंत्र में आहार नाल और युग्मित पाचक ग्रंथियां आती हैं। तो हम बात करते हैं एक एक करके इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी आहार नाल के बारे में। तो अगर हम यूनियो की आहार नाल देखें तो डायग्राम आपके सामने ही है इसका। इस डायग्राम के अंदर आप सारे आहार नाल को, कंप्लीट आहार नाल की पोजीशनिंग और उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो मेनली जो इसकी आहार नाल होती है उसको हम पांच भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम के अंदर। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है। तो माउथ बात करते हैं। माउथ या फिर जो मुख होता है वो एंटीरियर एडक्टर मसल के ठीक पोस्टीरियर वेंट्रल जो पार्ट होता है, यानी पश्च अधर भाग में स्थित एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाया जाता है। तो यानी जो मुख है वो एक दरार के रूप में होता है और इसके दोनों साइड पर लेबियल पाल्प्स जो होते हैं, यानी ओष्ठीय स्पर्शक जो होते हैं, वो लटके हुए रहते हैं। तो मुख है ये और उससे नीचे की ओर दो लेबियल पाल्प या फिर ओष्ठीय स्पर्शक जो है वो लटके हुए हैं और ये दोनों जुड़कर इसका अपर लिप का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जो बाहरी स्पर्शक होते हैं वो इसके ऊपरी लिप और जो लोअर लिप होता है, जो इसके एंटीरियर साइड होती है, वो इसके लोअर लिप का निर्माण करता है जिससे कि एक खांच बन जाती है। मोलस्का के ही दूसरे मेंबर को हम स्टडी करेंगे इसके बाद में, जो है पाइला। पाइला में आप देखेंगे कि एक जो मुख होता है उसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर पाई जाती है, रेडुला, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो वो रेडुला नाम की जो स्ट्रक्चर होती है वो यूनियो में नहीं पाई जाती है, यानी यूनियो में जो जबड़े हैं और रेडुला है उन दोनों का ही अभाव होता है। फिर आता है ईसोफेगस या फिर ग्रसिका। मुख के जस्ट पीछे ही एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। अगर हम अंदर से इसकी भित्ति देखें तो वो पक्षमाभी होती है, यानी उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। इसके बाद आता है स्टमक या आमाशय। आमाशय जो है वो एक चौड़ी थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें चारों ओर से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर जो लिवर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं वो इसको घेरे हुए रहती है, यानी लिवर के चारों तरफ एक कंबल की तरह ढकी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर इसका लिवर प्रेजेंट होता है। आमाशय को हम मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक ऊपरी भाग जिसमें कि ग्रसिका और पाचक ग्रंथियों से निकलने वाली ग्रसिकाएं खुलती हैं और दूसरा नीचे की ओर नली के समान भाग जिसमें कि स्टाइलिक सेक, यानी एक ऊपर वाला ये वाला पार्ट और दूसरा यहाँ पे नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग होता है उसके अंदर तो एक तो ईसोफेगस खुल रही है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो नलिकाएं होती हैं वो आमाशय में जो रस पहुंचाती हैं, अपना डाइजेस्टिव जूस पहुंचाती है, उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर एक क्रिस्टलाइन शूक पाया जाता है जिसे हम क्रिस्टलाइन स्टाइल कहते हैं, जो कि डाइजेशन में सहायता करता है। इस ये म्यूकोप्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर एमाइलेस और ग्लाइकोजिनेज नाम के एंजाइम होते हैं, यानी ये जो शूक पाया जाता है, क्रिस्टलाइन स्टाइल पाया जाता है इसके अंदर, वो एंजाइमेटिक नेचर का होता है और इसमें एक तो एमाइलेस एंजाइम और दूसरा ग्लाइकोजिनेज जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये शूक लगातार पेज की तरह गोल गोल घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो है ये शूक जो है थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हुआ जब भित्ति से टकराता है आमाशय की तो टूट जाता है और टूटे हुए भाग से जो एंजाइम है वो मुक्त होकर जो आमाशय के अंदर भोजन होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, मिल जाता है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय का जो अपर पार्ट होता है उसमें इसके अलावा जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उसकी भी ओपनिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे भोजन का अवशोषण पाचन भी किया जाता है और उसको यहाँ पे एक फिल्टर मैकेनिज्म टाइप का पाया जाता है, यानी अर्धपचित भोजन जो होता है वो आमाशय की नलिकाओं से होता हुआ इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर पहुँचता है जहाँ पे उनका पाचन होता है। परंतु यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर मैकेनिज्म पाया जाता है जिससे कि अपचित भोजन या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में तो जा सकता है परंतु जो अपचित भोजन या व्यर्थ भोजन होता है वो पीछे की ओर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रवेश न करके आंत्र की ओर बढ़ जाता है, यानी
जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उसमें सिर्फ आंशिक रूप से ये अपचित भोजन ही जाता है जो कि शरीर के लिए उपयोगी है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उन नलिकाओं की तरफ प्रवेश नहीं कर पाते। फिर आती है आंत्र, ये लंबी पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये इसकी आंत्र है। अमाशय के पिछले हिस्से से आंत्र प्रारंभ होती है जो कि कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर रहती है और नीचे की ओर फुट के अंदर बढ़ जाती है। ये अपने चारों तरफ से, ये आप बबल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, ये एक्चुअल में योनियों के गोनेट्स होते हैं यानी जननांग होते हैं। तो इसकी जो आहार नाल होती है वो सभी तरफ से इसके जननांगों से घिरी हुई रहती है और इसका कुंडलन भी विशेष प्रकार का होता है। इसकी आरोही भुजा जो होती है वो इसकी अवरोही भुजा के समानांतर होकर अंत में मलाशय में खुल जाती है। आप देख पा रहे हैं आगे की ओर बढ़ रहा है, फिर पीछे की ओर, फिर से आगे की ओर और पीछे की ओर, ये फिर रेक्टम में बढ़ जाता है। ये एक सिस्टमेटिक पोजीशनिंग होती है जो कि फिक्स्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने सिंपल कॉइल बना दिया, इस कॉइल की लोकेशन हमेशा ऐसी ही बनती है और ऐसी ही आपको भी बनानी है। तो एक सिस्टमेटिक कॉइलिंग स्ट्रक्चर होती है जो आगे की ओर बढ़ती है और अंत में ये रेक्टम में खुलता है। आंत्र का जो अंतरिम भाग होता है वो रेक्टम कहलाता है और ये जो है इसमें एक वलन पाया जाता है जिसको टिफ्लोसोल कहते हैं। और आंत्र में, रेक्टम में खुलने से पहले आंत जो है वो पेरिकार्डियम से भी होकर गुजरती है और ये पीछे की ओर क्लोइका में खुलती है। पाचन ग्रंथि की अगर हम बात करें, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो ये जो ग्लैंड होती है ये डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम या फिर यकृत भी कहलाती है। ये गहरे भूरे या हरे रंग की होती है और एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें इसकी जो वाहिनियाँ होती हैं अमाशय के ऊपर वाले भाग में यानी यहाँ पर आकर खुलती हैं और अर्धपचित भोजन जो होता है वो इसके अंदर प्रवेश करके उसका पूरा पाचक होता है। यानी ये ग्रंथियाँ केवल पाचक एंजाइम को स्त्रवित ही नहीं करती बल्कि अर्धपचित भोजन को अपने अंदर लेके उसका कोशिकीय अंतःकोशिकीय पाचन भी करती है। फूड एंड फीडिंग की बात करें तो यूनियो जो है वो प्लैंक्टोनिक फीडर एनिमल है जो कि पानी में उपस्थित जो डाइटम्स, प्रोटोजोवा व सूक्ष्म जीव या ऑर्गेनिक मटीरियल है उसको एज ए फूड जो है वो इस्तेमाल करता है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है यानी छान कर भोजन को खाने का जो मैकेनिज्म है वो पाया जाता है। पानी के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स या कचरा या कुछ भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल आता है वो गिल्स के ऊपर से गुजरता है जब पानी, तो गिल्स पे वो छन जाता है यानी पानी तो निकल जाएगा लेकिन जो भोजन होता है वो छन जाता है, ऊपर की ओर कण चिपके हुए रह जाते हैं। और जो भोजन होता है वो गिल के ऊपर श्लेष्मा के अंदर चिपक जाता है और वहाँ से उसको इकट्ठा करके उसको नीचे की ओर गिरा दिया जाता है। फिर इन गिल तंतुओं पे जो भोजन होता है उसको मुख की ओर यानी माउथ की तरफ धकेला जाता है जहाँ पर जो लेबियल पाल्स होते हैं उनकी सहायता से उसको मुख के अंदर पहुँचा दिया जाता है। तो इसको हम, आप ये कह सकते हैं कि सीलियरी फीडर भी होता है, इसको फिल्टर फीडर भी कह सकते हैं। फिल्टर फीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर खाना छनता है छन्नी की तरह, यानी पानी तो निकल जाता है गिल्स से, जो भोजन के कण होते हैं वो छन के वहाँ पर चिपक जाते हैं और वहाँ से गिल्स से सीलियर्स या सीलियरी मूवमेंट के थ्रू कशाबकीय जो मूवमेंट है, पक्षमाभी जो गति है, उसके द्वारा भोजन को मुख तक पहुँचाया जाता है, इसलिए इसको सीलियरी फीडिंग भी कहते हैं। जब लेबियल पाल्प पर भोजन इकट्ठा पहुँच जाता है तो वहाँ पर इन जो भोजन होता है उसको तो मुंह की तरफ डाल दिया जाता है और जो बेकार के कण होते हैं, कचरा होता है, उसको जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर कि वो साइफन के द्वारा वो कचरे को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेनली जो पाचन होता है वो स्टमक के अंदर ही होता है और जो आंशिक रूप से पाचन होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर होता है। और अपचित भोजन जो होता है आंत्र से होकर मल में पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है जहाँ के मल कणों के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से।